नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज धर्म कथा में बात करते हैं ऐसे देवता की जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और आशंका जन्म ले लेती है और उस देवता को प्रसन्न करने के लिए हम हर संभव प्रयास करने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि देव की। शनि देव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड देने का काम करते हैं। आज धर्म कथा में हम आपको शनि देव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। ओ तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज। शनि देव को लेकर कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। इनके अनुसार शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन हुआ था। उनके पिता सूर्य और माता छाया को माना जाता है। गिद्ध पर सवार शनिदेव पुराणों में हाथों में धनुष धारण करने वाले बताए गए हैं। इन्हें महान पराक्रमी, योगी तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला बताया गया है। कहा जाता है कि न्यायाधीश की पदवी देकर सृष्टिकर्ता ने इन्हें मृत्युलोक का दंडाधिकारी नियुक्त किया है। लोगों की शनि को लेकर एक आम धारणा है कि वो भक्तों को केवल परेशानी ही देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उन्हीं लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं जो धोखेबाज, अन्यायी, पापी कर्म में लीन रहते हैं। भैसा पर करत सवारी, कर लोह गदा रह साज। जबकि पुण्य आत्माओं को इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। शनि से भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शनि एक न्यायाधीश है, वो आपके कर्मों का ही फल देते हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा वो देखते हैं। भगवान ने ही उनको यह आदेश दिया है कि जो बुरे कर्म करे उसका दंड दो और जो अच्छे कर्म करे उसको उसका सुख दो। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। शनि देव की जन्म गाथा या उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा अपने पति का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि या तो मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या फिर तपोबल से सूर्य की अग्नि का तेज कम करना होगा। ये सोचकर संज्ञा ने, जिनको सुवर्णा भी कहा गया है, सूर्य से अलग होकर घनघोर जंगल में शरण ले ली। अपनी खूबसूरती तथा यौवन के चलते उन्हें जंगल में डर था, इसीलिए उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और तपस्या में बाधा न आए। उधर सूर्य देव संज्ञा को ना ढूंढ सके, इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया को वहीं छोड़ दिया। संज्ञा से सूर्य को पुत्र यमराज और पुत्री यमुना की प्राप्ति हुई। कहते हैं जब शनि देव का जन्म हुआ तो शनि के श्याम वर्ण को देख कर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगा दिया कि वो उनका पुत्र नहीं है। जब शनि को इस बात का पता चला तो वो अपने पिता से क्रुद्ध हो गए। इसीलिए शनि और सूर्य में बैर की बात कही जाती है। बाद में शनि ने अपनी साधना और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य देव के समतुल्य शक्तियां अर्जित कर ली। शिवजी ने शनि को वरदान मांगने को कहा
तो शनि ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माता छाया पराजित होती रही हैं। उन्हें मेरे पिता सूर्य ने बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया है, अतः माता की इच्छा है उनका पुत्र शनि अपने पिता से उनके अपमान का बदला ले और उनसे भी अधिक शक्तिशाली बने। जवाब में भगवान शिव ने वरदान देते हुए शनि से कहा, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा, मानव तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि देव को बचपन में बहुत शरारती बताया गया है। कहते हैं जब छाया का भेद खुला तो सूर्य देव उन पर नाराज हुए और संज्ञा को ढूंढने चले गए। कहते हैं इस घटना के बाद शनि देव अपने पिता सूर्य देव से नाराज रहने लगे। इसके अलावा अलग अलग पुराणों और शास्त्रों में शनि देव से संबंधित और भी कई कहानियाँ मिलती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनि देव जी की दृष्टि में जो क्रूरता है वो इनकी पत्नी के शाप के कारण है। बचपन से ही शनि देवता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में मग्न रहा करते थे। शनि देव का विवाह चिररथ की कन्या ऋतुस्नाता से हुआ था। वो एक सती साध्वी और परम तेजस्वी स्त्री थी। एक दिन वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के पास पहुंची, मगर वो श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उन्हें अपनी पत्नी के आने का आभास ही नहीं हुआ। वो उनकी प्रतीक्षा करते करते थक गईं। अंत में क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से वो जिस किसी पर अपनी दृष्टि डालेंगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप को खत्म करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। तभी से शनि देव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि के कारण किसी का अनिष्ट हो। लेकिन ये पौराणिक सत्य है कि शनि देव ईश्वर की ओर से नियुक्त न्यायाधीश हैं और वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हिंदू पुराणों और धर्मशास्त्रों की माने तो शनि सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक है, इसलिए नवग्रह पूजा में शनि का विशेष महत्व है। उन्हें क्रूर ग्रह माना गया है। कहते हैं कि शनि की नजर जिस किसी पर पड़ जाए उसके बुरे दिन आ जाते हैं। सभी ग्रहों में शनि को सबसे अधिक भयभीत करने वाले ग्रह माना गया है, लेकिन हम आपको शनिदेव के उदार स्वरूप के बारे में बतलाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार संभवते समग्रह अर्थात जो प्रभावित करता है उसे ग्रह कहा जाता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 2 के अनुसार भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, लेकिन सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप भी अवतार माने गए हैं। जैसे सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, बुध से बुधा अवतार, गुरु से वामना अवतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से कूर्मा अवतार, राहु से वराह अवतार, केतु से मत्स्य अवतार हुए हैं। ग्रह और उनकी स्थिति ही व्यक्तियों को उनके कर्मों या कार्यों का फल देती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह मनुष्य के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। हर ग्रह का अपना अलग महत्व है। कुछ ग्रह सौम्य तो कुछ क्रूर है। किसी ग्रह में जल तत्व प्रधान है, किसी में वायु तत्व तो किसी में अग्नि तत्व की प्रधानता मानी गई है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण हर ग्रह अपनी दशा में अलग अलग फल देता है। जहाँ तक शनि का सवाल है, उन्हें सौर मंडल में अपने पिता सूर्य से काफी दूर होने के कारण सूर्य की परिक्रमा में काफी ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से इन्हें शनिचर अर्थात धीमी गति से चलने वाला कहा जाता है। सभी 12 राशियों में इनका परिभ्रमण 29 वर्ष 5 माह और 5 घंटे में पूरा होता है। शनि को वायु तत्व
और पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। ग्रह मंडल में बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं, जबकि सूर्य, चंद्र और मंगल इनके शत्रु। गुरु से शनि संभाव रखते हैं। इनकी तुला राशि उच्च तथा मेष राशि नीच राशि कहलाती है, जबकि मकर व कुंभ राशि के शनि स्वामी हैं। शनि देव महिलाओं का आदर सत्कार न करने वाले लोगों से क्रोधित रहते हैं। वह चोरी, डकैती और अपहरण जैसे बुरे कर्म करने वालों को परेशान करते हैं। इसके अलावा मांस, मदिरा का सेवन और धूम्रपान करने वाले लोग भी शनि के कोप भाजन का शिकार होते हैं। धर्म के नाम पर ठगी करने वाले और शनि मंदिर के नाम से व्यापार चलाने वालों को भी शनि देव कड़ी सजा देते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों व असहायों की हमेशा मदद करने का विधान है। बुजुर्गों का सम्मान हमेशा सत्कार्य करने से भी शनि देव कृपा बरसाते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए एक तो आप अपने माता पिता का पूरा सम्मान करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, और आप अगर कोई भी काम जो आपके निमित्त दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, अगर उसमें ईमानदारी से आप कार्य करते हैं, शनि की खराब दशा भी है, शनि नीच का भी है, फिर भी वो आपकी मदद करेगा, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा और आपके जीवन में आप जो जो चाहते हैं वो सब आपको पूरा करेगा। शनि ग्रह को केवल भारतीय ही नहीं पाश्चात्य ज्योतिषी भी दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उन्हें माना जाता है। असल में वो शत्रु नहीं, मित्र हैं। सत्य तो ये है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ न्याय करते हैं। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, गलत आचरण करते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं। शनि का नौ ग्रहों के साथ संबंध भी अलग अलग है। शनि देव क्रूर ग्रहों के न्यायकर्ता हैं। जो व्यक्ति पाप कर्म में लीन रहता है उसके पापों का हिसाब स्वयं शनि देव करते हैं। जब आप लोभ, हवस, गुस्सा या मोह से प्रभावित होकर अन्याय, दुराचार, अनाचार, पापाचार और व्याभिचार का सहारा लेते हैं या सबसे छिपकर कोई पाप करते हैं, तभी शनि देव सब देख रहे होते हैं और समय आने पर दंड भी देते हैं। ऐसा हिंदू शास्त्रों और धर्म शास्त्रों में कहा गया है। जाहिर है शनि देव इंसानों को कर्मों का फल देते हैं। उनका काम केवल डराना और परेशान करना नहीं है। तो देखा आपने शनि की उत्पत्ति की कहानी और कैसे वो दैनिक जीवन में हमको प्रभावित करते हैं। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया के संबंध में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि शनि देव का महत्व कितना प्राचीन रहा है। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और मैं हूं खुशबू, और आज हम आपको बता रहे हैं शनि देव की महिमा। शनि की साढ़े साथी का जिक्र आते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अब उनके जीवन में रुकावट और कष्ट ने दस्तक दे दी है। क्या हकीकत में शनि की साढ़े साथी इतनी कष्टदायी होती है? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? आइए जानते हैं। न्याय के देवता भगवान शनि अनेक कारणों से विलक्षण देवता माने जाते हैं। शनि की मंद गति, उनका तेज स्वभाव, उनका न्याय देने का तरीका
और अपने पिता सूर्य से उनकी शत्रुता कुछ इस तरह से बताई गई है, जिससे लोगों के मन में शनि को लेकर हमेशा भय बना रहता है। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया और महादशा लोगों को बहुत तकलीफ देती है, ऐसी मान्यता है। साढ़े साती का अर्थ होता है साढ़े सात वर्षों का समय। शनि 12 राशि घूमने के लिए लगभग 30 साल का समय लेते हैं। वो एक साथ एक समय में 3 राशियों पर अपना असर दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शनि वर्तमान में तुला राशि में है तो वो अपना प्रभाव तुला के अलावा अपने से एक राशि पहले यानी कि कन्या और अपने से अगली राशि वृश्चिक में भी दिखाते हैं, और ये क्रम हमेशा चलता रहता है। इसी कारण एक राशि पर शनि 3 बार प्रभाव डालते हैं और ये अवधि 7.5 साल हो जाती है। शनि के कुप्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनके जरिए आप शनि की साढ़े साती में भी अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और शनि के कुप्रभावों से बच सकते हैं। आप अगर शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनि नमः के कम से कम 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं या 11 माला कर सकते हैं। आप जा करके किसी भी कौड़ियों को, 5 कौड़ियों को, 11 कौड़ियों को वस्त्र भोजन और दक्षिणा दान कर सकते हैं, और इसके अलावा आप गौशाला में धन चारा इत्यादि कुछ भी वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। इससे शनिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं। जब कुंडली में शनि चंद्र राशि से चौथी तथा आठवीं राशि में भ्रमण करते हैं तो कुंडली धारक के जीवन में ढैया का असर माना जाता है। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक भ्रमण करते हैं, इसलिए इसे ढैया कहते हैं। शनि की साढ़े साती तथा ढैया उन्हीं लोगों के जीवन में मुसीबत लेकर आती है जिनकी कुंडली में शनि जन्म से ही बुरा असर दे रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि जन्म से शुभ असर दे रहे होते हैं, उनके जीवन में शनि की साढ़े साती तथा ढैया का बुरा असर नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को साढ़े साती और ढैया के दौरान विशेष लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि की चाल बदलने, शनि महादशा, साढ़े साती या ढैया में शनि की कृपा से सौभाग्य, सफलता व सुख की कामना पूरी करने के लिए शास्त्रों में शनि के मंत्र का जाप व शनि की पूजा को मंगलकारी माना है। शनि अमावस्या के दिन शनि का पूजन विशेष फलदायी होता है। जिन जातकों की कुंडली या राशियों पर साढ़े साती व ढैया का प्रभाव है, वो अच्छे फल प्राप्त करने के लिए शनिश्चरी अमावस्या पर शनि देव का विधिवत पूजन कर लाभ उठा सकते हैं। भारत में शनि देव के कई पीठ हैं, किंतु 3 प्रमुख प्राचीन और चमत्कारिक पीठ माने गए हैं जिनका बहुत महत्व है। इन्हें मुख्य रूप से शनि धाम कहा गया है। लोगों का मानना है कि इन शनि धामों पर जाकर ही वो शनि की कृपा पा सकते हैं। हम आपको इन प्रचलित शनि धामों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि शनि ग्रह की देव रूप की मान्यता भारत के अलावा दुनिया में कहाँ कहाँ है। भारत में सूर्यपुत्र शनिदेव का सबसे प्रमुख धाम है महाराष्ट्र का शेगड़ापुर शनि मंदिर। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ शनिदेव की पाषाण प्रतिमा खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। शेगड़ापुर के इस चमत्कारी शनि मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची और लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से यहां आकर श्रद्धालु शनिदेव की सिद्ध प्रतिमा का दर्शन कर पुण्य लाभ लेते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शेगड़ापुर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे।
ऐसा इसलिए क्योंकि शिंगड़ापुर में चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज खुद कठोर दंड दे देते हैं। शनिदेव का दूसरा प्रमुख धाम है मध्य प्रदेश में शनिश्चरा मंदिर। इसके बारे में मान्यता है कि यहां हनुमान जी की ओर से लंका से फेंका गया अलौकिक शनिदेव का पिंड प्रतिष्ठित है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन यहां मेला लगता है। भक्तजन यहां तेल चढ़ाते हैं और अपने पहने हुए कपड़े, चप्पल, जूते आदि यहीं छोड़कर घर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को पाप और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। शनिदेव का तीसरा प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश में कोसी से 6 किलोमीटर दूर कोकिला वन में है। शनिदेव के तीसरे प्रमुख मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ शनिदेव के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। ओम श्री शनि। मान्यता है कि जो इस वन की परिक्रमा करके शनिदेव की पूजा करेगा वो कृष्ण की कृपा पाएगा और उस पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी, अर्थात कोकिला वन धाम में एक नहीं दो दो देवता का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ शनि के दर्शन करने से कृष्ण कृपा के साथ ही शनि दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। शनिदेव की मान्यता केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी है। ग्रीस में शनि को क्रोनस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि क्रोनस नामक राजा के शासन में देश की हालत सुधर गई थी, इसलिए क्रोनस की उपासना आरंभ हुई। बाद में क्रोनस ही शनि ग्रह के समानांतर हो गए। ओलंपिया में एक पर्वत का नाम ही क्रोनस पर्वत है, जहां शनि ग्रह के नाम पर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इटली में भी शनिदेव के अनेक मंदिर हैं। वहां के कितने ही शहर तथा पर्वत भी सतरन कहलाते हैं। इटली में सातरन या सातरन शनि को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में शनि न्याय प्रिय माना गया है। यहाँ कर्म बलि है। ऐसी मान्यता है कि अच्छे कर्म करके अच्छा फल पाया जा सकता है। ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ शुभ है। इस पर विश्वास रखने से भय नहीं रहता और जीवन में सब कुछ शुभ ही रहता है, इसलिए शनिदेव की आराधना भी कर्म के अनुरूप फल देने वाली मानी गई है। तो देखिए आपने शनि देव की महिमा, कैसे उनको भारत ही नहीं विश्व भर में पूजा जाता है और कैसे वो मनुष्य को पाप के बंधन से मुक्त कराते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है dharmkatha@bhaskarnews.org। हमारा पता है A147 सेक्टर 63 नोएडा और हमारा फोन नंबर है 1800-300-2530। कल फिर आएंगे हम एक नई और रोचक धर्म कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।